वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। और कैसे हो? बहुत दिनों से मुलाकात हो रही है भैया। यहाँ तो ठंड बहुत ज़्यादा है, कोहरा छा रहा है, काम करने का मन भी नहीं करता है, लेकिन अब करना पड़ेगा। तो आज का टॉपिक जो है, एक इन्वर्टर है और ये माइक्रोटेक कंपनी का है। और आप देख लीजिए, मॉडल दिखाइए अच्छी तरह एकदम। आठ सौ साठ ई बी इसके मॉडल हैं। तो इसमें जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं इसको पहले बैटरी से कनेक्ट करता हूँ। तो ये मैं बैटरी से कनेक्ट कर दिया हूँ इसको। और फ्रेंड्स ये मेरा ऑन भी हो गया, दिखाना UPS ऑन हो गया। अब मैं इसमें ये देखता हूँ कि आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैं इसमें आउटपुट के लिए तार डाल रहा हूँ। ये तार मैंने डाल दिया, आउटपुट मेरी आ गई है। अब फ्रेंड्स देखता हूँ कि ये चार्जिंग करता है या नहीं करता है। तो ये मेरे तार है और मैं इलेक्ट्रिसिटी में ये लगा दिया। देखना जी, तो फ्रेंड्स इसमें मेंस नहीं आ रही है, UPS ऑन है, बाकी कोई फंक्शन अब काम नहीं कर रहा है। तो इसको मैं अभी यहाँ से हटाता हूँ। ये इलेक्ट्रिसिटी हटा दी मैंने, ये अब मैं इधर मेरे बोर्ड में वहाँ पर डाल देता हूँ और ये चार्जिंग में डाल दी। अब देखिए ये आवाज़ कर रहा है वो। तो दोस्तों इसमें जो प्रॉब्लम है, अब मैं ये बैटरी को भी हटाता हूँ। ये बैटरी मैंने हटा दी है। इसमें जो प्रॉब्लम है दोस्तों, ये ट्रांसफॉर्मर गर्मा करके जल गया। देखिए ये नज़दीक से देखो, देखो ये बिल्कुल ये प्लास्टिक इसकी ब्लास्ट हो गई है। ये भी देखो प्लास्टिक ये बैंड हो गई, इधर से भी सारा जल के ये ख़त्म हो चुका है ये। तो अब फ्रेंड्स इसके अंदर ये करना पड़ेगा कि ये ट्रांसफॉर्मर चेंज करना पड़ेगा मेरे को। तो मेरे पास दूसरे इन्वर्टर हैं, उनके अंदर ये वाला ट्रांसफॉर्मर है। तो मैं ये वाला ट्रांसफॉर्मर अभी उसमें से निकाल करके और आप को लगा करके बताता हूँ दोस्तों। और मेन मोस्ट जो बात है फ्रेंड्स, ये है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और इस तरीके के अच्छे अच्छे वीडियो डालते हैं दोस्तों, PCB के भी डालते हैं, लेकिन आज ये इन्वर्टर है, बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैं एक इन्वर्टर का वीडियो डाल रहा हूँ। तो दोस्तों इसको अंत तक देखिए आप। मेंस नहीं लेने का कारण इसका भी नहीं है, हो सकता है सर्किट में भी प्रॉब्लम हो जाए, तो भी इसका सोल्व करके आपको बता रहा हूँ। हाँ फ्रेंड्स, ये मैंने ट्रांसफॉर्मर लगा दिया है और मैं बैटरी को कनेक्ट कर चुका हूँ इसमें। और अब लाइट चेक करते हैं कि आउटपुट आया या नहीं आया। और ट्रांसफॉर्मर चेंज कर दिया है मैंने ये, और अब देखता हूँ तो आउटपुट आ चुका है। अब फ्रेंड्स इसमें देखते हैं चार्जिंग आती है कि नहीं आती है। तो ये मेरी बैटरी है, ये मीटर में लगा चुका हूँ, ये एम्पियर मीटर है। पहले मेंस नहीं आ रही थी, अब चेक करते हैं कि मेंस आती है या नहीं आती है। तो दोस्तों लगा दिया हूँ, चेंज और भी चेंज हो गया है। और अब आप देखिए मेंस आ गई है, बैटरी चार्जिंग भी शो कर दिया है। तो ये एक बार मीटर चार्ज दिखा करके ये भी बंद हो गया है, क्योंकि मेरी बैटरी जो है नहीं है, फुल चार्ज है ये, इसलिए ये चार्जिंग दिखा नहीं रहा है। फिर एक मिनट दिखाना, इसलिए एक मीटर पर दिखाना एम्पियर मीटर। अब मैं एक बार हटाता हूँ, ये मैं हटा दिया हूँ। अभी ये बैटरी से चल रहा है, तो बैटरी से चल रहा है जब ये ले रहा है दोस्तों, एक एम्पियर के समथिंग ये ले रहा है, 6 एम्पियर पे है, इसलिए एक एम्पियर ले रहा है। अब मैं इसका मेंस लगाता हूँ, ये मेंस मैंने डाल दिया, ये चेंज हो गया है। अभी दिखाना देखिए एक बार, ये देखो ये चार्जिंग मोड पे आ गया, ये कट हो गया, क्योंकि ये बैटरी फुल चार्ज है, इसलिए एक बार आता है फिर वापस कट जाता है। तो ये बिल्कुल एकदम ओके हो चुका है दोस्तों। और हर चीज़ मैंने इसकी चेक तो कर चुका हूँ, लेकिन आपको दिखा दिया हूँ ये कि अभी एकदम बिल्कुल एक्यूरेट हो चुका है। अगर वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि कितने वोल्टेज ये आउटपुट दे रहा है। अभी ये AC मोड पे कर दिया हूँ मीटर को, और मैं दिखाता हूँ आपको कितने वोल्ट ये 255 वोल्ट ये आउटपुट कर रहा है दोस्तों। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अब मैं
एसी मोड से हटाता हूँ इसको, अब बैटरी पे लेता हूँ, बैटरी पे ले रहा हूँ तो 280 वोल्ट, ये 280 के समथिंग आउटपुट ये कर रहा है, क्योंकि अभी लोड नहीं है, लोड होता तो कम हो जाते वोल्टेज, सिर्फ ये ट्यूबलाइट चल रही है इससे, बाकी कुछ नहीं चल रहा है, इसलिए ये वोल्टेज थोड़ी ज़्यादा ही दिखा रहा है, लेकिन इतने तो दिखाता है। तो दोस्तों ये मेरा इन्वर्टर बिल्कुल क्लियर हो चुका है, अब मैं आपको दिखा दिया हूँ, और ये बैटरी से अभी चल रहा है, बैकअप आ गया। तो दोस्तों अगर वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें दोस्तों, ताकि आने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।